माइ डर स्टूडेंट्स इन कैपिटलिस्टिक सिस्टम द गवर्मेंट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स एंड गारंटीज द राइट ऑफ सिटीजन टू चूज देयर जॉब क्या कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और इसके साथ साथ सिटीजेंस को ये राइट देती है कि वो कौन सी जॉब करना चाहते हैं कौन सी जॉब वो नहीं करना चाहते सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती इन मोस्ट ऑफ द केसेस द गवर्नमेंट डज नॉट प्रिवेंट फर्म्स फ्रॉम डिटर्मनिंग वॉट वेजेस दे विल पे ज्यादातर केसेस में गवर्नमेंट ये तय नहीं करती कि फर्म्स किसी चीज की प्रोडक्शन में लेबरर को कितनी वेज देगी और वो कितनी प्राइस जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाई है उसकी चार्ज करेंगे हाउएवर बहुत सारे मुल्कों में वेज लॉज हैं कि कम से कम वेज आपने ये देनी है गवर्नमेंट लॉज के जरिए से रेगुलेशंस के जरिए से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए सोशल जस्टिस क्रिएट करने के लिए इंटरफेरेंस करती रहती है बहुत सारे मुल्कों में गवर्नमेंट भी बहुत सारी कॉरपोरेशंस को ओन करती है और जहां पर भी लेबरर्स मौजूद होते हैं तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के जरिए से सोशल स्टेबिलिटी के जरिए से बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन जो है उसमें अपना हिस्सा भी डालती रहती है डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा मैनी कंट्रीज हैव कॉम्पिटिशन लॉज दैट प्रोहिबिट मोनोपलीज एंड कार्टल्स कई दफा होता है कि मुल्क में जो सरमायादार है वो किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में जो प्रोडक्शन वो करता है उसमें दूसरे सरमायादारों के साथ मिलके मोनोपोलीज और कार्टल बना लेते हैं और जो आर्टिकल्स वो बनाते हैं उसकी प्राइस मनमानी प्राइस जो है वो वसूल करते हैं तो गवर्नमेंट का बहुत से मुल्कों में ये भी रोल है कि वहाँ पर वो कॉम्पिटिशन लॉज बनाते हैं और स्टेप्स लेते हैं रादर प्रोहिबिट कर देते हैं मोनोपलीज और कार्टल्स ना बने ताकि माशरे में सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रह सके इन मैनी कंट्रीज सरकार इस तरह भी इंटरफेयर करती है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर बनाया बना रहा है उसके ऊपर चेक रखती है कि कौन सी क्वालिटी की वो सर्विसेज दे रहे हैं जैसे एयरलाइंस के ऊपर चेक रखती है ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर चेक रखती है और इस तरह की और दूसरी ट्रेड्स के ऊपर इन एडिशन माई डियर स्टूडेंट्स द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ कैपिटल एंड यूजेज फाइनेंशियल टूल्स सच एज द इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल सच फैक्टर्स एज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर एक इकोनॉमिस्ट हैं फ्राइड हाइक वो ये कहते हैं दैट द मार्केट मैकेनिज्म इज द ओनली वे ऑफ डिसाइडिंग वट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आइटम्स विदाउट यूजिंग क्वर्शन इडमैन क्लेम्ड दैट सेंट्रलाइज इकोनॉमिक ऑपरेशन आर ऑलवेज अ बाय बायोपोलिटिकल रिप्रेशन तो ये सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं ज्यादातर लेसिस फेयर की बात करते हैं लीवा सलोन मार्केट को अकेला छोड़ दो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस तय करेंगी क्या प्रोड्यूस करना है कितनी लेबर देनी है कैपिटल को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है ये सारी फोर्सेज जो हैं ये डिमांड एंड सप्लाई के असूल पर चलेंगी और वहां पर कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए ये साहब ये कह रहे हैं कि जब आप इस तरह मार्केट में इंटरफेरेंस करते हैं यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है तो फिर वहां पर पॉलिटिकल रिप्रेशन का एलिमेंट भी नजर आना शुरू हो जाता है तो सारे इकोनॉमिस्ट दे आर ऑफ द व्यू के फेयर पे मार्केट चलनी चाहिए लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सोशल जस्टिस और जो डाउन ट्रोडल लोग्स हैं जो रिफ्रैफ रफियंस हैं जो डिवेलर ऑफ पोकी स्लम्स हैं उनका कौन वाली वारिस होगा तो देयर फोर टू स्ट्राइक अ बैलेंस लेटेस्ट और मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनमी यही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत दी जाए और गवर्नमेंट भी टू स्ट्राइक अ बैलेंस गवर्नमेंट भी उसमें अपना हिस्सा रेगुलेशंस की शक्ल में डाले ताकि एक स्टेबल स्टेट डेवलप हो सके एक स्टेबल नेशन डेवलप हो सके और इकोनॉमिक जस्टिस हो सके होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक Thank you very much.